हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मानस स्टडीज। अब कहानी को आगे बढ़ाया जाए, अब हम अपने ओरिजिनल वाले पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ से देखो, ये तीन जो सिचुएशन मैंने बताई आपको, तो इनके साथ कैसे डील करना है इस पे बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो अगर मैं कह दूँ आपसे कि किसी सेट ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होने चाहिए, तो अगर ए यूनियन बी को देखें और इस सिचुएशन में देख लें, देखो ठीक है, तो हमें क्या लगेगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बोला गया तो ये ए के सारे एलिमेंट आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बोला गया तो बी के सारे एलिमेंट आ चुके, लेकिन ये जो कॉमन एलिमेंट है ना बीच में, ये पोर्शन दो बार एड हो चुका है, एक बार ए के साथ आया था ये और एक बार बी के साथ आया था। तो इसमें से किसको माइनस करना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना होता है। और माइनस क्यों किया, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है कम से कम, ठीक है। समझ आ पाया, नहीं आया तो बताएंगे, और आ गया हो तो अच्छा है, ठीक है, और जहां पे भी नहीं आएगा आप बताएंगे, ठीक है। तो सेट को ना बिल्कुल प्यार से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, तब जाके कहानी आगे बढ़ेगी। इसके बाद ना रिलेशन और फंक्शन भी आता है, तो उसमें इंपॉर्टेंट है सेट का रोल, तब इसको इतना टाइम दिया जा रहा है, काफी क्लासेस हो गई हमारी इस पे बेस्ड है ना, ठीक। तो देखिएगा आप, इसी को आगे बढ़ाता हूं। अब जैसे एन ऑफ ए यूनियन बी था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, एन ए प्लस एन बी और प्लस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्यों लिखना पड़ा, पहले इसको देख लो जरा, अभी ये ए और ये बी, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। जैसे सपोज करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, ये देखो 1, 2, 3 और 2, 3 और 4। अब अगर ए यूनियन बी किया जाए तो आपके पास एलिमेंट कितने आए बताओ जरा, 1, 2, 3 और 4। तो अगर एन ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, एन बी में कितने एलिमेंट हैं, यानी 3, इसमें भी 3, तो दोनों को ऐड करोगे आप तो कितना आ गया, 6। तो 6 में से हमने कौन हटा दिए, जो कॉमन एलिमेंट थे, कॉमन एलिमेंट कितने थे, 2 कॉमन एलिमेंट थे, तो 6 माइनस 2 किया कितना आ गया, 4 आ गया। ये देखो कितने एलिमेंट हैं यहाँ, 4 एलिमेंट हैं कि नहीं है, ठीक। तो यही कहानी मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो कॉमन पोर्शन है ये एक्चुअल में 2 बार ऐड हो जाता है हमसे, तो उस 2 बार की गलती को सुधारने के लिए क्या कर दिया जाता है, माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला बना दिया हमने, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना बताओ, फॉर्मूला बना कि अगर आपका इंटरसेक्शन में एलिमेंट कुछ ना कुछ है, यानी कि यूनियन में आपको एलिमेंट ढूंढने हैं और एन ए और इंटरसेक्शन आपको पता है, तो आप यूनियन के एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन ढूंढ सकते हैं बिना सेट के गिवन के, ठीक है। अगर मान लो, सपोज करो सेट दिए हुए कैपिटल ए और कैपिटल बी, उसके बाद तो इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया, कहता है कि आपका क्वेश्चन क्या कहेगा, देखिएगा इसमें एक क्वेश्चन बना रहा हूं। क्वेश्चन कहता है इफ एन ए इज इक्वल टू 10, एन बी इज इक्वल टू 7 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ये होगा आपका क्वेश्चन मार्क, है ना, इसको ढूंढना हमने। तो हम कहेंगे ठीक है, देर तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा क्या जाएगा, हम कहेंगे सिंस एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो कौन होता है, एन ए प्लस एन बी और माइनस में क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट में तो इसकी वैल्यू नहीं पता, तो इसको तो छेड़ना भी नहीं है आपने बिल्कुल। इस पे आएंगे आप एन ए पे, एन ए पे आएंगे तो एन ए का मतलब क्या हो गया बताओ, 10, तो आप रख दो एन ए की जगह 10, और एन बी कितना हो गया, 7, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 5, तो कितना आ जाने वाला है, देखो 10 प्लस कितना 2 विच इज 12, क्लियर है। तो ऐसे डील करना है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसे कहते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये तो आपको डायरेक्टली बोल दिया ना मैंने, अभी थोड़ी देर बाद हम क्वेश्चन जब कर रहे होंगे तो उसमें आपको रियलाइज होगा कि ये चीज आपका डायरेक्ट नहीं बोली गई है, हमें खुद मानना है ए कौन बी कौन और इंटरसेक्शन कौन और यूनियन कौन, ठीक है। समझ आ गया इतना, चलिए थोड़ा सा शायद मेरे ख्याल से क्लियर होगा मामला। तो यहाँ से जो ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, इस फॉर्मूले को ना रिस्पेक्ट देनी पूरी की पूरी, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है, यहाँ आपको कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं अपनी तरफ से, लेफ्ट से राइट में पूरे में देखेंगे आपके पास कितने टर्म्स दिखाई दे रही है आपको,
एक टर्म ये दिखाई दे रही है, एक ये और एक ये। तो यहां से आपको चार तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? आपको कहेगा तीन जो टर्म्स हैं, कोई भी तीन टर्म आपको गिवन होंगे और जो एक बचेगा वो अननोन होगा। आपसे पूछेगा कि इसके बारे में बताइए। जैसे मैंने इस बार क्वेश्चन पूछा आपसे, एन ऑफ ए यूनियन बी के बारे में बताओ, एन ए पता है, एन बी बताओ और एन ए इंटरसेक्शन बी बताए जिसमें, ठीक। ऐसे ही अगर वो ए इंटरसेक्शन बी के बारे में जानना चाहेगा तो आपसे एन ए और एन बी पूछ लेगा, ठीक। और सेम चीज है, यही फॉर्मूला थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा कब, जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट कह देगा। ए एंड बी आर क्या? डिसजॉइंट। जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट होंगे ना तो वहां एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आएगी बताओ? उस टाइम पे क्या होगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या था, एन ए प्लस एन बी। एन का मतलब आप समझ पा रहे हैं, एन ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। एन बी का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ बताया था, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है ऐसे सेट जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। यानी सीधा सीधा मतलब हुआ, एन ए इंटरसेक्शन बी जो है जीरो दे देगा आंसर। क्या देगा? जीरो। तो माइनस में क्या आएगा यहाँ? जीरो। तो ये जो चीज है ना, आपको कुल ये लास्ट में जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये बस इतना सा आपको दिखाई देना है, ये रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट। समझ आ गया? तो इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स वी हैव दिस, ठीक। तो फॉर्मूला जो है, ओरिजिनल फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा कब, जब हमारे पास सेट जो होंगे वो कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे। क्लियर है? डन। समझ आ गया यहां तक? चलो, तो क्या मिला हमें, देखिएगा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी मिला। कब? जब सेट क्या है, डिसजॉइंट नहीं है, नॉर्मल केस है ये, ठीक है। दूसरा केस मिला, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये कब मिला बताओ? ये मिला तब जब आपका सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। सेट कैसे होंगे? डिसजॉइंट होंगे। तो आपके पास ये केस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, अगर किसी दिन क्या हो गया, कुछ ऐसी कहानी हो गई, ठीक है। ठीक, तो अगर किसी दिन ऐसा होता है कि आपका तीन सेट आ जाता है, ए बी और सी, तो ये जो तीन सेट है दिखाई दे रहे, ये तीन के तीन सेट के केस में क्या करेंगे। मान लो इसका नाम है ए, इसका नाम बी उठा लिया और इसका नाम है सी, और ये यूनिवर्सल सेट हो गया यू। क्लियर? अब अगर ऐसा केस होगा तो आप इस फॉर्मूले को कैसे डिफाइन करेंगे, तो उस केस में आपसे क्या पूछेगा, वो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी पूछना चाहेगा, हाँ है ना। तो अगर एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी में अगर आप ये कर देते हैं, एन ए कर देते हैं प्लस एन बी कर देते हैं प्लस एन सी कर देते हैं, है ना, एन सी कर देते हैं, मान लो इतना कर लिया आपने, तो एन ए किया, एन बी किया, एन सी किया, कोई दिक्कत नहीं। तो जब एन ए और एन बी जब ऐड किए ना, आपने एक चीज में प्रॉब्लम आ गई, क्या आई, ए और बी में जो कॉमन पोर्शन है वो कितनी बार आ गया, दो बार आ गया। तो आप उस चीज को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, कितना, ए इंटरसेक्शन बी आपने माइनस कर लिया, क्योंकि वो दो बार आ चुका था। सेम केस बी और सी के केस में, चीज आपका दो बार आ गई थी, तो इसका मतलब एक बार आप फिर माइनस कर देंगे बी इंटरसेक्शन क्या, सी। अब तीसरा केस आप खुद बता सकते हैं, है ना। तो तीसरा केस कौन, ए और सी, तो इसमें भी आपने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर? अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो गई छोटी सी। क्या प्रॉब्लम हुई, देखो, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, जो कॉमन है तीनों के केस में, अगर ये तीनों में कॉमन है तो इस पोर्शन में प्रॉब्लम क्या हुई, जब ये ए माइनस बी किया हमने, तो उस टाइम पे ना ये, जब यहां पे फोकस करो, देखो, इतना ऐड करने के बाद इसको जब माइनस किया तो ये एक बार रह गया बस, हाँ है ना। लेकिन जब इस चीज को वापस माइनस किया तो ये आपका खत्म हो गया पूरा, ठीक है। जब आप ये तीन बार काम कर रहे हैं ना, ये तीन के तीन बार रिमूव हो जा रहा है। जब ये तीन बार ऐड हुआ भी था, किसकी वजह से ऐड हुआ था तीन बार, एक ए में है ये, एक बी में है और एक सी में है, ठीक है। ए बी सी तीनों में था, तो तीन के तीन बार ये ऐड तो हुआ, पर तीन बार ये रिमूव भी हो चुका है, देखो ये। तो ये तीन बार अगर रिमूव हो चुका है तो इसका मतलब ये पोर्शन तो गायब हो गया, ये पोर्शन तो हमने लिखा ही नहीं,
तो उसको हम ऐड करते हैं अपनी तरफ से प्लस क्या एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या सी। तो ये आपका फॉर्मूला है किसके लिए, जब सेट कितने होंगे तीन होंगे और तीन सेट होंगे तो ऐसा केस बनेगा कुछ। ठीक है, समझ आ गया इतना। तीन सेट के केस में आपने इस तरह से डील करना है इसके साथ। ठीक, चलिए ठीक है, समझ आ गया होगा, क्लियर। अब आगे बढ़ जाए, चलो अब क्वेश्चन उठाते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले जो बता दिए मैंने, आपने इन पे फोकस करना है और इन्हीं क्वेश्चन पे, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हम उठाएंगे। ठीक है, शायद किसी को कोई परेशानी ना हो, अगर होगी तो आप सभी बताएंगे, कोई दिक्कत कहीं पे आती है तो। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठा रहे हैं। इसमें कहता है 1.6 स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो लास्ट एक्सरसाइज है, आज ये क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.6 में क्या कहता है, देखिए, इफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर टू सेट्स सच दैट एन एक्स इक्वल टू 17 एंड एन वाई इक्वल टू 23। ठीक, तो क्या दिया हुआ है हमें, दो सेट है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, और उसमें क्या दिया हुआ है, एन एक्स दिया हुआ है 17, एन वाई दिया हुआ 23। एन एक्स इक्वल टू 17 और एन वाई इक्वल टू दिया हुआ है कितना 23। ठीक है, अब क्या पूछता हमसे, कहता है कि एंड एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 38। एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 38। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या जानना चाह रहे हैं, कहता फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन y, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है, हम उससे काम चला लेंगे। तो एक तरीका और बताऊंगा मैं, सिर्फ आप वेन डायग्राम से इस चीज को कैसे डील कर सकते हैं, कैसे आप संभाल सकते हैं इस चीज को बिना फॉर्मूले के यूज के। ठीक है, खैर इनडायरेक्टली फॉर्मूला यूज तो होता है पर लगेगा नहीं उसमें। ठीक, देखिएगा, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। तो आप बोलेंगे सबसे पहले ये गिवन दैट, सब लिख दो, गिवन दैट क्या जाएगा, n of x equal to कितना 17, n of y is equal to कितना 23 और n of x union y is equal to कितना 38। ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे, since बोलो यहाँ पे, क्योंकि वो पहले से हमारे पास formula है, since n of x union y is equal to क्या होगा, formula बताओ, nx nx plus ny minus na intersection x intersection y। ठीक है, x और y में फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, सेम केस है जैसे a और b में था, तो a की जगह आपने x लिख देना है और b की जगह y लिख देना। ठीक है, अब इसमें जो जो नोन वैल्यूज है, नोन वैल्यूज रखना शुरू कर दो। नोन वैल्यू कौन कौन है बताओ, a यूनियन x यूनियन y की वैल्यू पता है हमें कितनी है, 38 है। अब दूसरा nx कितना है, 17 है, और ये कितना 23 माइनस कितना n ऑफ x इंटरसेक्शन y, ऐसे रहा जैसा है। अब ये जो चीज है ना, तुम्हें ये माइनस में दिखाई दे रहा है, ये माइनस में लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा n x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, और ये जो टर्म है ये प्लस में, वहां जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो मैं 17 प्लस 23 माइनस क्या लिख रहा हूँ 38। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, 17 प्लस 23 कितना होता है बता दो, 40, और माइनस में कितना बच गया 38, कितना आ गया फिर आंसर 2। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई में आपका कितनी वैल्यूज आ गई है, 2 आ गई है। ठीक है, शायद परेशानी ना हो किसी को, क्लियर। तो ऐसे ही करना है, देखिए बस इस तरह का प्रोग्राम है ये, है ना, समझ आ गया, क्लियर है। ठीक, कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे, नहीं होगा तो मेरे लिए अच्छा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला इसी को हम कैसे कर सकते थे, देखने जरा वेन डायग्राम की मदद से करता, तो कैसे आप काम कर सकते थे इसमें, ये ए था, ये कौन बी। तो पहला काम क्या होता है ना, कि हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसको देख लो। सबसे पहले इसे मान लो, ये इसको एक्स मान लो जिसको पूछा गया है इंटरसेक्शन में, आपने पूछा कि इंटरसेक्शन के बारे में ही पूछा था, आप इसे बोल लेंगे क्या x।
और इसके x बोलते ही आपको पता है कि x में कितने एलिमेंट थे 17 और y में कितने एलिमेंट थे 23 और दोनों में मिला के एन ए यूनियन बी में एलिमेंट थे कितने 38। तो आपने क्या करना है उस केस में, इसे x बना लिया। अब आपको पता है इंटरसेक्शन में x एलिमेंट आ गए, तो यहाँ वाला जो पोर्शन बचा है इसमें कितने होंगे 17 माइनस x, तभी तो ये ओवरऑल 17 हो पाएंगे। ऐसी राइट में जब आएंगे यहाँ तो इस केस में क्या बचे होंगे बताओ, टोटल कितने एलिमेंट थे 23, उसमें से ये x अलग से लिख लिए तो क्या बचेंगे यहाँ 23 माइनस x। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये अब इस पोर्शन के अलग मार्क्स हैं यानी अलग नंबर है, इस पोर्शन के लिए अलग नंबर है और इस पोर्शन के लिए अलग नंबर है, हाँ है ना। तो इस पोर्शन का जो नंबर है वो है 17 माइनस एक्स, इस पोर्शन का जो नंबर है वो है 23 माइनस एक्स और इस पोर्शन का नंबर ये है कितना एक्स। अब इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे ना किसके बराबर आएगा वो 38 के बराबर आएगा, तो चीज यहां से भी निकाली जा सकती है। एक्चुअल में फॉर्मूला ही बन रहा है लास्ट में, तो आप इससे कह रहे हैं या फॉर्मूले से बातें की है, ठीक है, तो कर पाएंगे। ठीक, तो अदरवाइज अगर मान लो तुम्हें दिक्कत होगी देन फॉर्मूले पे बेस्ड ये कहानी है, ठीक है। और कहीं पे अगर आपको ऐसे काम करना है कि जो थोड़ा सा रफली काम करना है यानी जल्दी से आपका आंसर ले आना है, तो आप वेन डायग्राम का यूज कर सकते हैं जो मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको। ठीक, चलिए अब कोई अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 उठा रहा हूँ, सेकंड आपके लिए छोटा है। ठीक, कहता है कि इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक, ये सिचुएशन है। तो सबसे पहले आप मान लो कि हिंदी बोलने वालों को हमने ए बोल दिया और इंग्लिश बोलने वालों को मान लिया क्या बी, कोई दिक्कत नहीं है शायद किसी को। तो गिवन में जो दिया हुआ है उसको पकड़ो पहले। आपने क्या दिया हुआ, देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो टोटल कितने पीपल है 400। ठीक है, टोटल है 400। अब कहता है कि 250 कैन स्पीक हिंदी 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो टोटल पीपल है, तो टोटल कितने आएंगे ए यूनियन बी, कुछ ना कुछ बोलते हैं, मतलब या ना हिंदी तो बोल, या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या दोनों बोल लेते हैं, तो कुछ ना कुछ बोलने वाले, यानी टोटल जो पीपल है वो कितने 400 है। तो आपको दिया क्या है, एन ए यूनियन बी दिया हुआ है 400। ठीक है, दूसरा कहता है कि एन ए जो सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहे हैं हिंदी बोल रहे हैं, ए किसके लिए, इधर ए स्टैंड्स फॉर हिंदी लैंग्वेज एंड बी स्टैंड्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, क्लियर। ठीक, तो अब आपको क्या कहता है, जो हिंदी बोलने वाले हैं वो 250 हैं और जो इंग्लिश बोलने वाले हैं वो 200 हैं। ठीक, हिंदी बोलने वाले 250 और इंग्लिश बोलने वाले यानी कि बी बोलने वाले हैं 200। ठीक है, अब आपसे क्या जानना चाह रहा है, आपसे जानना चाह रहा है कि फाइंड द पीपल फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी एंड बोल दिया यहाँ पे, टर्म क्या आ गया एंड, तो जैसे ही एंड आया तो उसका मतलब वो चाह रहा है कि आपसे वो हिंदी भी बोले एंड इंग्लिश भी बोले, यानी दोनों लैंग्वेज बोले। और जब दोनों लैंग्वेज बोलनी है तो ये कॉमन एलिमेंट तो हुए, और कॉमन एलिमेंट कहाँ आते हैं, कॉमन एलिमेंट बेसिकली होते किसके हैं, कॉमन एलिमेंट होते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी के होते हैं कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो बस आपने ये ढूंढना है और ये ढूंढने के लिए आपके पास फॉर्मूला पड़ा है। आप बोलेंगे सिंस एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या एन ए प्लस एन बी और माइनस क्या एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, विच इम्प्लाइज ये इसकी वैल्यू कितनी है 400, ये था 250 और ये था 200 और माइनस में कितना आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसी रहा। फिर ये माइनस में यहाँ आके प्लस हो जाएगा ये, हाँ है ना, तो एन ए इंटरसेक्शन बी लेफ्ट में रहा और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आता है 450 माइनस में कितना आ गया 400। तो क्या बनेगा इससे आगे रिजल्ट, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना 50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वो लोग हैं, ये जो 50 लोग आए ये वो लोग हैं जो आपका हिंदी और एंड इंग्लिश दोनों बोल पाते हैं, क्लियर है, समझ आ रहा सभी के। चलिए ठीक, तो कहीं पे परेशानी होगी तो आप बता सकते हैं मुझे कि आपका कहाँ दिक्कत है आपको। ठीक, और सेम क्वेश्चन हम यहां से फिर कर सकते हैं, हम यहां मान लेंगे क्या x। अब आपको पता है हिंदी बोलने वाले लोग जो हैं टोटल वो कितने हैं
250, तो ये बचे हुए पोर्शन में कितने होंगे 250 माइनस एक्स, यहाँ कितने होंगे 200 माइनस एक्स। और कमाल इस बार ये है कि ये एलिमेंट, टोटल एलिमेंट इधर ही हैं सारे के सारे, ये यानी इन दोनों को, इन तीनों को मिला के कितना होगा 400 हो जाएगा, और बाकी आप काम जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये वेन डायग्राम से नहीं करना है मत करना, ये फॉर्मूले से चलना बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन है, एस एन टी है जितना, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी है, तो ये तो बना लेंगे हम, तो फोर्थ छोड़ रहा हूँ मैं। फिफ्थ भी आपसे हो जाएगा। सिक्स्थ पे आता हूँ, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। तो सेम क्वेश्चन है ये, कॉफी एंड टी वाला भी, क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है। अब आएंगे सेवन्थ और एट्थ पे काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो क्या कहना चाह रहा, देखना जरा। सबसे पहले फोकस करना कि पूछा क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो टोटल पीपल कितने हैं 65 है, देखते हैं कि ये टोटल पीपल किस वे में है, ठीक। दूसरा कहता है 40 लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट को हमने ए मान लिया, क्रिकेट हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, ए, तो इसका मतलब हुआ कि एन ए जो है वो हमें दिया हुआ 40, ठीक है। अब दूसरा कहता है 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो टेनिस को हम मान रहे क्या बी, तो इसका मतलब दूसरी चीज हमें दी है ए एंड ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है कितना 10, क्योंकि दोनों आपका कितना 10 लाइक कर रहे हैं किसको, क्रिकेट और टेनिस को, ठीक है। तीसरा केस बताता है हमें, हाउ मैनी पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो कितने लोग आपका, पहले तो बताना कि टेनिस को कितने लोग लाइक करते हैं, है ना। तो ये क्या दिया हुआ है हमें, एन ए यूनियन बी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला बताना कि टेनिस को कितने लोग लाइक कर रहे थे, देखो दोनों चीजों में डिफरेंस है, कैसे, ध्यान से सुनना, इससे पहले वाले क्वेश्चन को उठा लो। देखो टोटल जो पीपल थे जो चाय पी रहे थे, यानी कि समथिंग, ये कौन था ए और बी, मान लो चाय और कॉफी की बात कर लेते हैं, ये चाय है मान लो, ये कॉफी है, ठीक है। 250 पीपल चाय वाले हैं और 200 कौन से कॉफी वाले हैं, और टोटल पीपल ही कितने हैं बस 400, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पीने वाले भी कुछ हैं उधर, जो टी भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं, क्लियर। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब हुआ कि दोनों के केस में तो प्रॉब्लम अलग है। तो ये जो अगर मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए, एनए जो है वो है मान लो टी जो लेते हैं, जो टी को पसंद करते हैं उनकी बात करें, तो इनमें दोनों है जो टी को पसंद करते हैं और जो ओनली टी को पसंद करते हैं, दोनों के दोनों फंसे हैं इसमें। लेकिन अगर बात कर लिया जाए सिर्फ और सिर्फ टी को पसंद करने वाले लोगों के बारे में बात करें, तो क्या मतलब निकलता है उससे, उससे मतलब निकलता है ए माइनस क्या बी, यानी कि ए माइनस बी का मतलब क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, यानी कि कहने का मतलब है टोटल अगर हमें पता चल गया ना कि टेनिस कितने लोग खेल रहे हैं, उस टेनिस कितने लोग खेल रहे हैं उसमें से अगर हम कॉमन वालों को माइनस कर दें, तो समझ आ जाइएगा कि क्या क्या टर्म आ जाएगा इसके बाद, उसका टर्म आ जाएगा कि आपका टेनिस जो है वो सिर्फ टेनिस कितने लोग खेल रहे हैं हमें पता चलना शुरू हो जाएगा। समझ आया थोड़ा बहुत, चलो मैं थोड़ा सा इसको वेन डायग्राम की मदद से हेल्प लेते हैं इसकी, ठीक। चलिए देखो क्या होने वाला है, मैं कहना चाह रहा हूँ आपको ये निकालना है। देखो ये मान लो ये टेनिस वाला पोर्शन है और आपने ये निकालना है, तो ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, टेनिस अगर मान लो बी था तो उसमें से कौन माइनस हुआ, ये पोर्शन माइनस हुआ है ना, तो इसमें से कौन माइनस हो गया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। तो मैं यही करने वाला हूँ, मैं नया कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस पे बात करूंगा, उस टेनिस वाले में से कॉमन वालों को माइनस कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को वापस से। हाँ ये रहा, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है एन ए यूनियन बी दे दिया, एन ए दे दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी दे दिया, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम निकाल रहे हैं, क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस, टेनिस ओनली नहीं का, जो आपका टेनिस पसंद करते हैं उनको निकालने वाले हैं हम, ठीक।
तो ठीक है, हमने कहा सिंस एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। अब अगर आप यहां वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो तो ए यूनियन बी को पकड़ो कितना आया 65, एन ए कितना आ चुका है 40 और एन बी कितना है एन बी नहीं पता, आप इसे ऐसे ही रखेंगे, यही ढूंढना है हमें। और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 10, अब माइनस कर लो सबको, ये 65 ऐसी रहा, ये 40 माइनस 10 कितना होता है 30 प्लस एन बी ऐसी रहा है ना, तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये क्या जाएगा 65 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या एन बी, तो यहां से आगे बढ़ो और एन बी इक्वल टू क्या मिल गया बता दो मुझे 35 मिल गया, हाँ है ना। तो 35 पीपल ऐसे हैं जो आपका पसंद करते हैं किस स्पोर्ट्स को, टेनिस को, ठीक। लेकिन ये टेनिस को पसंद करने वालों में यानी इन 35 पीपल में टेनिस और क्रिकेट दोनों वाले भी हैं, तो उन दोनों वालों को हटाना है ताकि आपको पता चल जाए कि टेनिस ओनली वाले कितने लोग हैं, ठीक है। तो यहीं पे मैं बता रहा हूं, देयरफॉर पीपल हु लाइक्स टेनिस ओनली, टेनिस ओनली, तो क्या जाएगा इक्वल टू एन ऑफ बी में से आप किसको माइनस करेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, तो एन बी कितना था 35 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 10, तो क्या आ जाएगा आंसर 25। तो कितने लोग ऐसे हैं 25 पीपल ऐसे हैं हमारे पास जो क्या कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टेनिस को पसंद कर रहे हैं, सिर्फ टेनिस को, क्लियर, समझ आ गया। अब इसको अगर आपने मैनेज करना तो आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो ये क्रिकेट वाले टोटल थे, ये क्रिकेट वाले में कौन भी छुपा है, क्रिकेट वालों में ही वो लोग भी छुपे हैं जो आपका सिर्फ और सिर्फ किसको क्रिकेट को पसंद करते हैं और दोनों को भी पसंद करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं 10 यहां से रिमूव करोगे तो देखो ये 30 बचा और ये भी 25 और 10 ऐड करो कितना आ गया आंसर 65, ये चेक करने का तरीका है, ठीक। अगर डाउट है तो आप वापस पूछेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन इस तरह से करना है, ठीक है, हो पाएंगे, है ना। तो जितने क्वेश्चन आपने हमने किए आज 1.6 में वो तो आपने करने ही करने, और साथ ही साथ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, और कहीं पे अगर डाउट होता है आपको किसी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो आप बताएंगे वापस से, ठीक है। डन, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक, ओके, बाय।